हेलो, दिस इज़ रवि। ये मेरा पहला शिफ्ट ट्यूटोरियल है। ये ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट में आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। शिफ्ट एप्पल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप मैक ओएस, आईओएस के एप्स बनाने में यूज़ कर सकते हो। तो बिफोर वी बिगिन, मैं दिखा देता हूँ कि मैं एक्सकोड का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ 10.2.1। यहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर फेमिलियर विद प्लेग्राउंड दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो यहाँ पे प्लेग्राउंड का एक सेक्शन है जहाँ पे आप कोड करते हो। सो दिस सेक्शन इज़ अबाउट कोडिंग। ये सेक्शन पे आपका आउटपुट दिखता है। आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जो भी क्लास या जो भी फंक्शन एक्सिक्यूट करते हो, तो यहाँ पे उसका आउटपुट दिख जाता है। आप ये जो छोटा सा प्ले बटन दिख रहा है, ये आपका कोड एक्सिक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइन नंबर 3 का कोड एक्सिक्यूट करना है, जस्ट प्रेस दिस गाय और यहाँ पर आपको उसका आउटपुट दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर आप कोई भी एक एक्स्ट्रा कोड लिखते हो, जैसे कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एंड आप इसको एक्सीक्यूट करते हो, तो यहाँ पे आपको 3 दिख जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक प्ले बटन है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। तो वो क्या करेगा कि जितना भी आपका प्लेग्राउंड में, जितना भी एरिया में पूरा कोड लिखा है, वो सबको एक साथ एक्सीक्यूट कर देगा। एंड देन यू कैन गो अहेड एंड प्रेस द स्टॉप बटन। तो ये ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है स्विफ्ट में। सो पहला जो ऑप्शन है लाइन नंबर 3 पे, आप वेरिएबल्स को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, वेयर एस टी आर इक्वल्स टू हेलो प्लेग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्विफ्ट, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि एस टी आर का वैल्यू, सॉरी, डेटा टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, वॉट एवर। सो उसी तरीके से आप एक और डेटा टाइप भी, सॉरी, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि इंडेक्स इक्वल्स टू 15। एंड जब भी आप इसको रन करोगे तो स्विफ्ट को ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जो 15 है वो एक इंटीजर है, राइट? दिस इज़ समथिंग दैट द स्विफ्ट डज, जो स्विफ्ट रन टाइम पे करता है। अगर आपको स्पेसिफाई करना है, अगर आपको मतलब एकदम स्पेसिफाई करना है कि जो इंडेक्स है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइप एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, इंट, यू कैन डिक्लेयर फ्लोट और वॉट एवर। तो यहाँ पे मैं इंटीजर डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ, इंटीजर 15। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो लेट मी रन दिस, यू कैन सी इट इज 15। आप उसको वन लाइन पे डिफाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप उसको अगले लाइन पे उसको वैल्यू दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? एंड इट विल बी द सेम थिंग। उसी तरीके से आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि 3 वैल्यूज़ है, जैसे कि इंडेक्स, काउंटर एंड लेट्स से रिजल्ट। अगर ये तीनों वेरिएबल अगर डबल टाइप के हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड स्विफ्ट विल नो दैट ये जो तीनों वैल्यू है ये डबल, यू नो, लाइक ऑल दिस 3 वैल्यूज़ आर डबल टाइप। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो बोल रहा है इनवैलिड रीडिक्लेरेशन ऑफ इंडेक्स, दिस इज़ बिकॉज मैंने इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो ये एरर बेसिकली चला जाएगा, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द वेज वेर यू कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल। आप जिस तरीके से आपने ऐसे डिफाइन किया, आप एक ही लाइन पे आप वैल्यू भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेर एक्स इक्वल्स टू 0.0, वाई इक्वल्स टू 2.2 एंड जेड इक्वल्स टू 1.5। आप एक लाइन पे आप पूरा का पूरा, यू नो, आपका जो भी वेरिएबल सेट है, आप उसको वैल्यू भी दे सकते हो। एंड स्विफ्ट विल ऑटोमेटिकली, जब आप रन करोगे प्रोग्राम को, स्विफ्ट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि ये जो एक्स है वो क्या है, वाई का टाइप क्या है, जेड का टाइप क्या है। लेकिन एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, आई वुड रिकमेंड कि इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, अगर आप ऑलरेडी आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको एक टाइप डिफाइन करते हो। इससे होता क्या है कि कोड कोड ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। देखो, अब फिर से हम लोग को सेम प्रॉब्लम है क्योंकि काउंटर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। अगर आप ऐसे लिखते हो तो एडवांटेज ये है कि मेरा कोड ज़्यादा रीडेबल होता है, प्लस स्विफ्ट को भी उसका लॉजिक लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि ओके, ये जो काउंटर है, इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डिफाइन करके रखा है। सो आई थिंक दिस इज़ दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हर एक प्रोग्रामर को फॉलो करना चाहिए, राइट? सो मूविंग ऑन, आप ये तो हो गया वार यानी वेरिएबल। अगर आपको कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है, तो स्विफ्ट में एक कीवर्ड है विच इज़ लेट।
तो लेट क्या करता है कि कभी कभी हम लोग को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 10, तो अब यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है जिसकी वैल्यू हमेशा 10 रहेगी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अगर मैं चलो इसको चेंज करने का देखता हूँ, मैं इसको 11 बोलता हूँ, राइट। एंड इफ़ आई ट्राई टू रन द एप्लीकेशन, तो मेरे को कंपाइल करने से भी पहले वो स्विफ्ट का जो कंपाइलर है वो बता देता है, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू इंडेक्स इज़ अ लेट कॉन्स्टेंट, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। आपने बहुत सारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा रहेगा कि हम लोग कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं विद द कीवर्ड कॉन्स्ट, लेकिन स्विफ्ट में इट इज़ लेट। ओके, सो दिस वॉज माई फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑन स्विफ्ट। आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा एडवांस टॉपिक कवर करूँगा, बट आज के लिए मैं इतना ही कवर कर रहा हूँ कि आप वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हो स्विफ्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय।